माशाल्लाह माशाल्लाह जी शहजादिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक पाकिस्तानी की वीडियो वायरल होती है जियो शहजादिया मैंने बोला है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम है। इंसानी हमदर्दी के तौर पर देखा जाए, मज़हब के लिहाज से अगर देखा जाए, और मैं बोलता हूँ इंसानी हमदर्दी के तौर पर ऐसे है जी कि इस बंदे ने एक आप बोल रहे हैं कि जैसे कि मैं एक बात वीडियो में जरूर लास्ट में बोलूँगा यार, मुझे उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तमाम पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश है, खासकर इंडियन भाई, तो चलो इंडियन भाई भी इसमें शुमार होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी खासकर मुझे भाई जवाब ज़रूर दीजिएगा मेरी बात का। कौन सी मैं आपसे पूछता हूँ अभी। देखें, एक तो इंसानी हमदर्दी के तौर पर मैंने ये बोला है कि आप जाहिर सी बात है कोई इज्जत वाली चीज़, अगर मिसाल के तौर पर यार हमें दीन इस्लाम यही सिखाता है ना कि रस्ते में कांटा पड़ा हुआ है उसे उठाकर साइड पर कर दें, यानी कि कोई इज्जत वाली चीज़ अगर नीचे मिट्टी पर या नीचे ज़मीन पर गिर रही है तो उसे उठाकर कहीं ऊपर रख दें, तो ठीक है। मजहब के लिहाज से जैसा कि मैंने दीन इस्लाम के लिहाज से बताया वो ये जी, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ अभी, वीडियो साथ में चलाकर दिखानी शुरू कर देता हूँ मैं, शायद मैं शुरू कर चुका हूँ, आप देखते जाएं। दीन इस्लाम के लिहाज से भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि कलमा शरीफ लिखा हुआ है सऊदी परचम के ऊपर, पाकिस्तानी भाई बारिश में बकायदा खड़े होकर उस परचम को गिरने से बचा रखा है और उसको ऊपर लगा रखा है कि ये परचम ना ही गिरे। यार मैं बोलता हूँ इसीलिए मैंने बोला इंसानी हमदर्दी के तौर पर और मजहब के तौर पर एक बेहतरीन मिसाल, एक बेहतरीन वीडियो जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई सऊदी अरेबिया के, मैंने आपको साथ में अभी दिखा भी रखा हूँ मैं। जो बात मैंने लास्ट में आपसे पूछनी थी, शॉर्ट सी वीडियो थी, मैंने बोला आपके साथ बनाकर शेयर कर दूँ, वो क्या पूछनी थी यार, देखें ये पाकिस्तानी है सऊदी में, मैं भी सऊदी में होता हूँ, बहुत से भाई मुझे सऊदी में मिले भी हैं, मेरी सऊदी की वीडियो भी आपने बहुत सी देखी हुई, लाइव पड़ी हुई है, चंद माह पहले के भी पाकिस्तान में हूँ। तो बहरहाल जी बात मैं ये पूछ रही थी कि यार हम पाकिस्तान क्यों सऊदी अरेबिया में हैं। देखें ऐसा कोई भी अगर वहाँ पर मिसाल के तौर पर रोड क्रॉस कर रही है जी बिल्ली, हम उसको सेफली क्रॉस करवाते हैं, मिसाल के तौर पर हम ट्रैफिक कवानीन की बहुत पासदारी करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर शुरता हमें आवाज़ लगाए तो हम जी जी सर ऐसे खड़े हो जाते हैं, जैसा कि ये परचम गिर रखा था भाई साहब ने फौरन पकड़ा और इसको सीधा किया। यार मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा, पाकिस्तान में क्या पाकिस्तानी परचम हमारा, हम 14 अगस्त के ऊपर झंडियाँ लगाते हैं यार, जो परचम बाइक्स वगैरह के ऊपर लगाते हैं झंडियाँ लगाती हैं, आपको पता है वो अक्सर वो झंडियाँ कुछ परचम कुछ छोटे स्टिकर वगैरह सड़कों के ऊपर हवा में उड़ रहे होते हैं, बाद में लोग पास से गुजर रहे होते हैं उठाकर कोई नहीं रखता है, हमारा भी तो परचम है यार हमें पाकिस्तान में। मैं सिर्फ बात यह करने में चाहता था कि देखिए हम वहाँ पर जैसे इन कवानीन को फॉलो करते हैं ना, हमें पाकिस्तान में भी वैसे ही फॉलो करनी चाहिए। इन भाई साहब की वीडियो बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन पाकिस्तान में भी हमें पाकिस्तानियों को जैसा कि हम सऊदी में होते हैं पाकिस्तान में भी वैसे ही रहना चाहिए।